दोस्तों, तो आज जोशी जी आपको यानी हमें नाश्ते में क्या खिलाने वाले? जोशी जी बताइए। तो पंजाबी क्यों नाच रहा है? ओके जोशी जी, कंटिन्यू। ये तो चलता रहेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। चलिए, आप पंजाबी समोसा तो बताइए, कहाँ है पंजाबी समोसा आपके और कौन सी कंपनी का है, बताइए जरा दर्शकों को। ये है पंजाबी समोसा दाल, ओह नहीं नहीं, हल्दीराम का। तो जोशी जी, आप खोल के बताइए कितने इसमें लिखा है पंजाबी 8 समोसा। लेट मी सी द डिस्क्रिप्शन जोशी जी, एक मिनट। पंजाबी समोसा और इसमें दिखा है डिलीशियस एंड क्रिस्पी प्रिपरेशन फिल्ड विद बॉइल्ड पोटैटो एंड स्पाइसेस, मीडियम स्पाइसी है ये, और चटनी इंक्लूडेड। चलो जोशी जी खोलिए। और हमने ये रेडी कर दिया है एयर फ्रायर। ओके जोशी जी बताइए क्या क्या इसमें हमको मिलने वाला है, दिखाइए। टैंग 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 टैंग, दे दे समोसे दे। अच्छा, ये अच्छे साइज के, लास्ट टाइम जो हमने गाइस समोसे दिए थे ना, वो छोटे छोटे समोसे थे लेकिन क्वांटिटी उनकी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये प्रॉपर बड़े समोसे होते हैं, हलवाई वाले, ये वो समोसे हैं। तो जोशी जी इसको रखेंगे एयर फ्रायर में। जोशी जी कितने खाएंगे? ओह माय गॉड, आई थिंक दो दो इनफ होंगे। ये आप अब ज़्यादा खा सकते हैं, मैं तो दो खा लूँगी। अगर आपको कचौरी खानी है तो आप दाल कचौरी ले सकते हैं, और जोशी चटनी जरूर निकालेगा। ये देखिए, ये हरी चटनी इस तरह से पैकेट में मिली है। वाह, कितनी चटनी मिली है? लाल चटनी मैं खाऊंगी आज, तो मैं इसे गर्म आप खा के इसको बताऊंगी मैं चटनी के साथ। तो ओके गाइस, इसको हम 10 मिनट के लिए एयर फ्रायर में डाल रहे हैं, और लेट्स स्टार्ट। तो देखिए जोशी जी, यहाँ पे इमली की चटनी है, उसको काट के इसे कटोरे एक बाउल में डाल रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने चटनी नहीं खाई थी, तो इस टाइम चटनी खा के हम आपको जरूर बताएंगे चटकारे लाई लाई के। हाँ 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 हाँ, क्या मस्त कलर लग रहा है। हल्दीराम तो बेस्ट है भाई, जब भी इंडिया आएंगे ना तो हल्दीराम जरूर जाना है। जोशी जी हम ऑलरेडी खा चुके हैं दिल्ली में, इसीलिए अभी तक हल्दीराम का हम स्वाद नहीं भूले। तो अब बारी है ये ग्रीन चटनी की। ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, देखिए इसका टेक्सचर देखिए, आ हा हा हा, क्या मस्त हरी, ऐसे तो लगता है अभी ताज़ा ताज़ा बनी है। कमाल कमाल कमाल, मज़ो आ गया। तो देखिए गाइज, यहाँ पे साथ में चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। चाय तो जोशी ने कहा कब के बनाई थी, लेकिन जस्ट हम गर्म कर रहे हैं क्योंकि प्लानिंग चेंज हुई है। जैसी जी, कल तो गर्मी में बड़े अच्छे से खेला आपने, मज़ा आ गया एकदम। बस मुझे बड़ा बस ये अफसोस रहा कि मैं वो ताल से ताल नहीं मिला पाई। अब कब सीखूंगी, कब आपके साथ गरबा खेलूंगी मैं, है थोड़ा अभी भी सिखा दो, है सीख लो भाई, मेहनत करनी पड़ती। ये हमारे कितने सालों की तपस्या थी, तब जाके हमको सीखे। अच्छा चलो, अच्छी बात है। अभी तक तो खाना बनाना नहीं सीखे आप इतने साल में? तपस्या नहीं करनी। गलत बात है, चलो अच्छी बात है, चाय बनाना तो सीख ली है। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जरूरत ही किसकी जननी है, आवश्यकता की जननी है, समथिंग समथिंग। चलो अच्छी बात है। तो जोशी जी, चाय कब तक उबल जाएगी आपकी? ओ देखो, वो 10 बज गया, मतलब वो हमारा जो एयर फ्रायर है उसने बोल दिया कि हम रेडी हो गए, खा लो हमको। तो बस चाय भी होने वाली है, तो अब जोशी जी करेंगे सर्विंग। तो बताइए जोशी जी, जरा आराम से करिएगा, हाथ वतना फूक लीजिएगा, हमारे ऐसे बोलते हैं, आराम से, नई नवेली बहू की तरह, 7 साल की गारंटी के अंदर। कुछ हो गया बहू को तो 7 ससुर अंदर। खैर अब तो 12 साल हो गए, कुछ नहीं होगा, अभी कुछ हो भी गया था एक्सीडेंट। गर्म है, चलो कोई नहीं यार। ओ हो 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 हो, जोशी जी 12 साल की मेहनत खराब कर दी आपने। तो जोशी जी ने एक कचौरी देखी अपने लिए करी है, पर हम इसमें से हिस्सा लेंगे। ये देखिए, आ हा हा, ये है रेड चटनी और ये है ग्रीन चटनी। तो आइए चाय, जोशी जी चाय हम डाल लेते हैं और उसके बाद हम खाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए जोशी जी, अब चाय छान रहे हैं। तो हम लोगों ने इंडिया से स्पेशल छन्नी मंगाई थी, हैंडल तो उसका टूट गया, पर फिर भी बहुत स्पेशल है क्योंकि काम आ रही है। और आपको पता है ना, हम इंडियन लोग कोई भी चीज़ को ज़ाया नहीं करते, है ना। तो ये छन्नी काम तो चलेगी, हम चलाएंगे, देखिए। हाँ हाँ हाँ, चाय भी रेडी हो गई है गर्मा गर्म।
रेडी टू सर्व। तो देखिए गाइस, हमारे घर पे रिश्ता आया है, तो यहाँ पे हमार जो लड़का है वो चाय समोसा लेके आया है, तो हम देखेंगे कि हमार लड़का कितना योग्य है खाना बनाने में। तो बेटा ये किस समोसे किसने बनाए, बेटा किसने बनाए समोसे, ये आपने बनाए हैं? खा ले भाई चुपचाप, मिल रहा है नहीं तो ये पूरा गड़ जाएगा, मैं तो कुछ मिलना नहीं है तुम्हें। अच्छा मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, वो चाय वाय लेके आती ना चाय यार, ऐसा हुआ नहीं ना, तो मैं वैसे फीलिंग ले रही थी कि मैंने कहा चलो लड़का चाय समोसे लेके आ रहा, मैं खाऊंगी। बच्चे हैं तुम्हारे तो क्या हुआ, दोनों बच्चों के ले आना, हमारा लड़का लड़की हमारा नहीं, हमारा लड़का भी ऐसी जाएगा समोसा नहीं, वो तो बर्गर लेके जाएगा ना, लड़का और बिठाना उसको, बेटा लेके आ जरा समोसे। हाँ बिल्कुल भाई, हम तो ऐसे ही करने वाले, अभी वो रिवाज चला गया कि लड़की चाय वाय लेके आती है, अभी हमारा लड़का लेके जाएगा और फिर लड़की उसको पसंद करेगी, समझ गए। चलो पहले हम खाते हैं, चलो। तो गाइस देखिए, अभी हम समोसे का करेंगे, क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम नहीं मतलब टेस्ट करेंगे। तो हम मुझे लाल चटनी पसंद है, पहले मैं लाल चटनी में खाऊंगी। लेट्स सी, यम्मी, अंडिया की याद आ गई। जोशी कैसे बा, अच्छा बा, हम ट्राई करेंगे ग्रीन चटनी, एक ग्रीन चटनी, देखती हूँ मेरे हाथ से स्वाद है या कम है। जस्ट ट्राई करो, बहुत बढ़िया स्पाइसी, एकदम बढ़िया। देखिए गाइस, यहाँ फ्रोजन खाना है, उसके बाद में बस थोड़ा गर्म करना। आई नो कई लोग इस पर बिलीव नहीं करते, पर जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनके पास इतना ऑप्शन नहीं होता कि गर्मा गर्म कोई हलवाई हमारे लिए समोसे तले, और हम वहाँ फटाफट सुबह गए और समोसे लेके आए। तो हम लोग कभी कभार थोड़ा बहुत टेस्ट ले लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रोजन चीज़ें मिलती है या फिर एयर टाइट भी मिलती है। पर टेस्ट आई नो एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, लेकिन 90% सेम है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, मुझे तो पर्सनली इमली की चटनी पसंद है। आप पे चाय मिस्टर, मैं मिस्टर का आ गया, चलो कोई बात नहीं। गरम चाय की प्याली हो, नहीं गरम चाय का प्याला हो, कोई उसको पिलाने वाला हो। ला 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 ला। आगे गाना नहीं गाएंगे हम, अब समझ जाइए, सीने से लगाने वाला हो। मैं समझ रहा हूँ क्या बोल रहे थे। ओके, ओह माय गॉड, पर ये हम तो समोसे की बात कर रहे हैं, हम समोसे बहुत ही बड़े बड़े। आप भी जाइए अभी अड़ोस के नथू लाल जी के पास और समोसे लेके आइए और खाइए, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा, हम लोग रोज नहीं खाते, 15-20 दिन या महीने में, क्योंकि जंक है तो जंक फूड ही, फ्रोजन खाओ या ताज़ा खाओ, तो हम इसे रिकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं समटाइम, वो मैं आपको बता दूँ, खाली हम प्रोत्साहन नहीं कर रहे आपको कि आप जंक फूड खाए, ना हमारा ही उद्देश्य है। लेकिन समटाइम इट्स गुड। तो गाइस आपको हमारा वीडियो पसंद आया, शक्ल दिखा जोशी जी, आप शक्ल नहीं दिख रही है। तो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूरी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।